plays more than a fighter. Yes, he's a straight cage fighter. The Madhyamika boxing was not a sport in India. So they used to, because he comes from a lower strata of society, he used to go to these cage fights and get beaten up to earn a little bit of a living. But I think the character is more about this boy from the streets who wants to become a big shot in life. He wants to make money, he in whatever way. If it's not being, if the opportunities are not coming, he'd go and snatch it. If he does good or bad, he just wants to be big in his life. What was the preparation behind this role? I did training for 3 or 4 months. I had a trainer from Africa who came to teach me MMA. Since I had done no kind of fighting in any of my films before. So I did a little bit of training, so my form and it looks aesthetically correct. But again, like I said, there was boxing as a sport was not present in India, so it was more freestyle fighting. Accept the film because of the script. I accepted the film because it was Sanjay Leela Bhansali who wanted to launch me. So he's been my mentor. I even assisted him. I was an assistant director on Black with Amitabh Bachchan and Rajiv Kharche. But I think over the years you develop because your own choices, your own outlook to life, to what kind of stories you like, what kind of characters you like, it keeps evolving. And I hope it keeps growing to be better. I hope it doesn't go downwards. And I hope with also Bombay Velvet, it's an upward approach towards the choice that we both have done. It's an interesting film, it's an interesting world, the interesting characters for both of us. And I really hope that all of you give Bombay Velvet a chance on 15th of May and catch it at the cinema. I have done singing training because jazz singers, like they sing, it's a very different way to sing. रेगुलर जैसे गाने हम लोग शूट करते हैं उनसे, और क्योंकि मैं सिंगर का रोल निभा रही थी और एक अनुराग कश्यप की फिल्म है तो गाने स्क्रीन प्ले के इट्स पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले. सडनली ऐसा नहीं कि फिल्म में गाना आया तो मतलब गाना आ गया अभी पिक्चर रुक गई और फिर गाना देखने में फिर पिक्चर शुरू हुई. सो इट हैड टू लुक सीमलेस एंड हैड टू लुक लाइक अ पार्ट ऑफ द फिल्म. सो निधि मोहन ने इतनी अच्छा काम किया था म्यूजिक के साथ, सो आई हैड टू मेक श्योर दैट आई डू अ डैम गुड जॉब ऑफ इट एंड मेक इट बिलीवेबल दैट जो इंसान दिख रहा है स्क्रीन पे, जो मैं हूँ और जिनकी आवाज़ सुनाई देगी, जो नीति मोहन की आवाज़ है, वो एक ही इंसान है, वो दो अलग लोग नहीं है. सो होपफुली व्हेन पीपल वॉच द फिल्म 15 मे दे वुड होपफुली डिस्कवर दैट. बॉम्बे वेलवेट जो इस फिल्म की दुनिया तो बॉम्बे इन 1950s है, लेकिन जो कुछ कहानी में होता है वो शुरुआत इस क्लब में होता है बॉम्बे वेलवेट, जिसका मालिक मैं हूँ, जिसकी लीड सिंगर रोजी. और जो कुछ करप्शन है, जो कुछ अच्छा है, जो लव स्टोरी है, शुरुआत बॉम्बे वेलवेट से होती है और ख़त्म भी वहीं होती है. तो इसलिए अनुराग को लगा कि एक्चुअली मैं तो चाह रहा था कि हम इस फिल्म को बिग शॉट रखे जो टाइटल है, लेकिन अनुराग बहुत क्लियर था और उसने कहा कि ये लव स्टोरी की निशानी है बॉम्बे वेलवेट जो क्लब है, तो इस फिल्म का टाइटल बेस्ट बॉम्बे वेलवेट ही रहेगा. तो हम सब उससे सहमत रहे. स्टेज पे मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, ज़्यादा अच्छी फिल्मों के ऑप्शंस मिल रहे हैं. बिगनिंग में जितने जितने मिलते थे उनमें से बेस्ट ऑप्शन लेती थी. एंड डिफरेंट स्टेज पे आप डिफरेंट रीजंस के लिए फिल्म्स करते हैं, सो दैट्स द वे यू टेक इट. यू मेंट ओवरनाइट स्टार्स राइट, कि आप नहीं हैं ओवरनाइट स्टार्स. नहीं, मतलब आपको बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ा, काफ़ी मेहनत सबको करनी पड़ती है. मेहनत तो मतलब इतनी ऐसी अगर आपको इतना कुछ मिलता है तो उसकी मेहनत तो इतनी ही तो डालनी पड़ती है. एंड दैट्स एंड हमको बहुत खुशी है मेहनत करने में, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है हम जो काम करते हैं. एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है, फिल्में बनाने में बहुत मज़ा आता है, नए नए कैरेक्टर्स आपके पास लेके आने में, नई नई फिल्में आप लोगों के पास लेके आने में बहुत मज़ा आता है. सो वी एंजॉय व्हाट वी डू. और एक क्लास बड़े होते हो आप, आपकी उम्र बढ़ती है और दुनियादारी देखते हो आपको ये लगता है कि हम अपने लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं. हम ऐसे कुछ दुनिया को बचा नहीं रहे, ना हम एस्ट्रोनॉट हैं ना डॉक्टर हैं, हम शोमैन हैं, हम एंटरटेनर्स हैं. तो लोगों को हमारे लाइफ के बारे में पढ़ना शायद अच्छा लगता है. मैं जितनी मेरा सवाल है जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाना चाहूँगा, प्रोटेक्ट करना चाहूँगा. क्योंकि क्या है कि एक बार आपने वो दरवाज़ा खोल दिया तो मतलब फिर कोई एंड नहीं, फिर खुलता जाएगा. फिर आपकी आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो एक रियलिटी हो जाएगी, रियलिटी शो. मैं हीरो हूँ, ये हीरोइन है, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक करण एक बहुत ही दिग्गज इंसान है, महान हस्ती है. उन्होंने जो कुछ किया है जिंदगी में, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्शन, टॉक शो होस्ट, अवार्ड शो, सब में वो माहिर, बहुत ही कमाल के इंसान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही टैलेंटेड है. वैसे एंड ऑल्सो हमारे पर्सनल फ्रेंड भी, उनके साथ जब सेट पर होते थे तो इतना मज़ा आता था. और वो किसी कोई बैगेज लेके सेट पर नहीं आए, कि मोली एज एन एक्टर ही वॉज लाइक अ स्टूडेंट, मेरे से डायरेक्शन लेते थे. इमेजिन
मेरे से इतने सीनियर है और मैं भी कहना था नहीं तो ऐसा मत कर वैसा कर उसको अभी डायलॉग ऐसा बोल वी रियली हैड अ गुड टाइम विद हिम एंड वी बोथ आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम एज अ डायरेक्टर क्योंकि जो कहानी उन्होंने लिखी है दिल है मुश्किल है तो करण जोहर की फिल्म बट इज ट्राइड ही ट्राइड टू डू समथिंग वेरी मॉडर्न लाइक अ अर्बन लव स्टोरी सेट इन लंडन आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम नाउ एज अ डायरेक्टर आफ्टर वर्किंग विद हिम एज एन एक्टर दोनों के साथ मेरी अलग केमिस्ट्री और अलग फिल्मों में काम किया है बट इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एंजॉयड वर्किंग विद रणबीर द मोस्ट बिकॉज ए हमारी एक दोस्ती रही है काफ़ी साल से एंड एक हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड केमिस्ट्री एंड एक एक्टर के साथ रिलेशनशिप इज वेरी डिपेंडेंट ऑफ आप कैसी स्क्रिप्ट कर रहे हो आप कैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो और आप कैसे रोल्स कर रहे हो तो इन तीनों ही जगह में हम दोनों को एक अच्छी स्क्रिप्ट अच्छा डायरेक्टर और अच्छा बैंड बाजा बारात में भी वो था बट ये केमिस्ट्री बहुत ही यूनिक थी तो एज एक्टर्स वी वर वेरी एक्साइटेड टू अप्रोच अ फिल्म लाइक दिस क्योंकि ऐसी केमिस्ट्री मैंने कभी ऑन स्क्रीन नहीं देखी है तो दे लाइक चिल्ड्रन हमारे जो कैरेक्टर्स हैं दो बच्चों की जो लव स्टोरी होती है ना वैसी एकदम खूनखार प्यार भी है नहीं मतलब झगड़ा भी होता है उसको मारते भी हैं लोग प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो जो कभी मैंने देखा नहीं था वो मुझे रणबीर के साथ करने का मौका मिला दैट्स व्हाई आई वुड से दिस बिकम्स मोर स्पेशल ओनली फॉर दैट रीज़न थैंक यू